आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के बाद अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जनसंख्या को लेकर बड़ी बात कही है। एमके स्टालिन ने एक कार्यक्रम में कहा कि नवविवाहितों के लिए अब 16 बच्चे पैदा करने का समय आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई में हिंदू धार्मिक और बंदोबस्ती बोर्ड की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम स्टालिन ने ये बयान दिया है। दरअसल सीएम एमके स्टालिन एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे जहां 31 जोड़ों का विवाह हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि जोड़े 16 तरह की संपत्ति के बजाय 16 बच्चे पैदा करें। एमके स्टालिन ने अपने भाषण के दौरान कहा कि पहले बुजुर्ग नवविवाहित जोड़ों को 16 तरह की संपत्ति प्राप्त करने का आशीर्वाद देते थे, शायद अब समय आ गया है कि 16 तरह की संपत्ति के बजाय 16 बच्चे पैदा किए जाएं। उन्होंने आगे कहा, जब बड़े बुजुर्ग कहते थे कि तुम 16 संतानें प्राप्त करो और समृद्ध जीवन जियो, तो इसका मतलब 16 संतानें नहीं बल्कि 16 प्रकार की संपत्ति था, जिसका उल्लेख लेखक विश्वनाथ ने अपनी पुस्तक में गाय, घर, पत्नी, संतान, शिक्षा, जिज्ञासा, ज्ञान, अनुशासन, भूमि, जल, आयु, वाहन, सोना, संपत्ति, फसल और प्रशंसा के रूप में किया है। लेकिन अब कोई भी आपको 16 प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने का आशीर्वाद नहीं दे रहा है, बल्कि केवल पर्याप्त संतान होने और समृद्ध जीवन जीने का आशीर्वाद दे रहा है। बता दें कि जनसंख्या बढ़ाने को लेकर इस तरह का बयान देने वाले स्टालिन अकेले सीएम नहीं है। स्टालिन से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी लोगों से 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की थी। अमरावती में 19 अक्टूबर को एक सभा को संबोधित करते हुए नायडू ने 2047 के बाद भी राज्य के जनसंख्या लाभ को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला था। उन्होंने लोगों से परिवार नियोजन अपनाने और 2 से अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान किया। उन्होंने ये भी कहा कि जनसंख्या एक संपत्ति है, बोझ नहीं है। उन्होंने जल्द इसके लिए नया कानून लाने और 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले परिवार को सम्मानित करने की भी बात कही। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अब निकाय चुनाव में 2 से ज्यादा बच्चे वाले चुनाव लड़ सकेंगे। खैर, जिस समय में हम जनसंख्या पर काबू लाने की कोशिश की बातें कर रहे हैं, उस समय में ऐसे बयानों पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव। We'll be right back.